गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। प्राचीन काल में ऐसी कई देवियाँ हुई हैं जिन्होंने गायत्री साधना का आश्रय लेकर अपने जीवन की विषम परिस्थितियों में विजय प्राप्त की, भगवत कृपा प्राप्त की। गार्गी, मैत्रेय, मदालसा, अनसुईया, अरुंधति, देवयानी अहल्या, कुंती, शत्रुपा, वृंदा, मंदोदरी, तारा, द्रौपदी, दमयंती, गौतमी, सफला, सुलभा, शाश्वती, उशिजा, सावित्री, लोकमुद्रा, प्रतिशेयी, वैशालिनी, वेंदुला, सुनीति, शकुंतला और भी ऐसी कई योगिनियां हैं जिन्होंने गायत्री साधना का आश्रय लिया। ये सभी वेदज्ञ और गायत्री उपासक रही हैं। उन्होंने गायत्री शक्ति की उपासना द्वारा अपनी आत्मा को समुन्नत बनाया और योगिक सिद्धियां प्राप्त की। उन्होंने सधवा और गृहस्थ में रहकर सावित्री की आराधना में सफलता प्राप्त की। इन देवियों का विस्तृत वृतांत, उनकी साधनाओं और सिद्धियों का वर्णन करना इस छोटे से वीडियो में संभव नहीं है। जिन्होंने भारतीय पुराण इतिहासों को पढ़ा है, वे जानते हैं कि उपयुक्त देवियाँ विद्वत्ता, साहस, शौर्य, दूरदर्शिता, नीति, धर्म, साधना, आत्मोन्नति आदि पराक्रमों में अपने ढंग की अनोखी ज्वाज्वल्यमान तारिकाएं थीं। उन्होंने समय समय पर ऐसे चमत्कार उपस्थित किए हैं जिन्हें देखकर आश्चर्य में रह जाना पड़ता है। प्राचीन काल में सावित्री ने एक वर्ष तक गायत्री जप करके वो शक्ति प्राप्त की थी जिससे वो अपने मृत पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से लौटा सकी। दमयंती का तप ही था जिसके प्रभाव से कुचेष्टा करने का प्रयत्न करने वाले व्याघ्र को भस्म कर दिया था। गांधारी आंखों से पट्टी बांधकर ऐसा तप करती थी जिससे उनके नेत्रों में वो शक्ति उत्पन्न हो गई थी कि उसके दृष्टिकोण मात्र से दुर्योधन का शरीर अभेद हो गया था। जिस जंघा पर उसने लज्जावश कपड़ा डाल रखा था वही कच्ची रह गई थी और उसी पर प्रहार करके भीम ने दुर्योधन को मारा था। अनसुईया ने तप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नन्हे बालक बना दिया था। सती शांडिलनी के तपोबल ने सूर्य का रथ रोक दिया था। सुकन्या की तपस्या से जीर्ण शीर्ण च्यवन ऋषि तरुण हो गए थे। स्त्रियों की तपस्या का इतिहास पुरुषों से कम नहीं है। ये स्पष्ट है कि स्त्री और पुरुष सभी के लिए तप का प्रमुख मार्ग गायत्री ही है। वर्तमान समय में भी अनेक नारियों की गायत्री साधना से हम सभी भलीभांति परिचित हैं और ये भी पता है कि इसके द्वारा उन्होंने कितनी बड़ी मात्रा में आत्मिक और सांसारिक सुख शांति की प्राप्ति की है। एक सुप्रसिद्ध इंजीनियर की धर्म पत्नी श्रीमती प्रेम प्यारी देवी को अनेक प्रकार की पारिवारिक कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ा है। उन्होंने अनेक संकटों के समय गायत्री का आश्रय लिया और विषम परिस्थितियों से छुटकारा पाया। दिल्ली के एक अत्यंत उच्च परिवार की सुशिक्षित देवी श्रीमती चंद्रकांता बैरथ गायत्री की अनन्य साधिका थी। उन्होंने इस साधना द्वारा बीमारियों की पीड़ा दूर करने में विशेष सफलता प्राप्त की थी। दर्द से बेचैन रोगी इनके अभिमंत्रित हस्त स्पर्श से आराम अनुभव करता था। इन्हें गायत्री में इतनी तन्मयता थी कि सोते हुए भी जब अपने आप ही होता रहता था। शिलोंग की एक सती साध्वी महिला श्रीमती गुणवंती देवी के पतिदेव की मृत्यु 20 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। गोदी में एक वर्ष का पुत्र था। उनको तथा उनके ससुर को इस मृत्यु का भारी आघात लगा और दोनों ही शोक से पीड़ित होकर अस्थि पिंजर मात्र रह गए।
एक दिन एक ज्ञानी ने उनके ससुर को गायत्री जप का उपदेश किया। शोक निवारण विष जप को करने लगे। कुछ दिन बाद गुणवंती देवी को स्वप्न में एक तपस्विनी ने दर्शन दिए और कहा, किसी प्रकार की चिंता ना करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, मेरा नाम गायत्री है। कभी आवश्यकता हुआ करे तो मेरा स्मरण किया करो। स्वप्न टूटने पर दूसरे ही दिन से उन्होंने गायत्री साधना आरंभ कर दी। उनके जीवन में अनेक आपत्तियां उन पर आईं और वे सब टल गईं। अब जब ये पुस्तक लिखी गई, पूज्य गुरुदेव की गायत्री महाविज्ञान, उस समय उनका बेटा 19 साल का होकर बीए में पढ़ रहा है। उसे 40 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति मिलती है और 75 रुपए की ट्यूशन वो कर लेता है। उस समय परिवार का काम ठीक प्रकार से चल जाता है। गायत्री पर उन्हें अनन्य श्रद्धा है। हैदराबाद की श्रीमती विमला देवी की सास बड़ी कर्कश स्वभाव की थी और पतिदेव शराब वेश्या गमन आदि बुरी लतों में डूबे रहते थे। विमला देवी को आए दिन सास तथा पति की गाली गलौज तथा मारपीट का सामना करना पड़ता था। इससे वे बड़ी दुखी रहती थी और कभी कभी आत्महत्या करने की सोचती। विमला की बुआ ने उसे विपत्ति निवारणी गायत्री माता की उपासना करने की शिक्षा दी। वो गायत्री माता जी की उपासना करने लगी। फल आशातीत हुआ। थोड़े ही दिनों में सास और पति को बड़ा भयंकर स्वप्न हुआ कि उसके कुकर्मों के लिए कोई देवदूत उसे मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे हैं। जब स्वप्न टूटा तो उस भय का आतंक कई महीनों तक उन पर रहा और उसी दिन से स्वभाव सीधा हो गया। अब वो परिवार पूर्ण प्रसन्न और संतुष्ट है। विमला का दृढ़ विश्वास है कि उसके घर को आनंदमय बनाने वाली गायत्री माता ही है। वर्षों से उनका नियम है कि जप किए बिना भोजन नहीं करते। वारिसाल बंगाल के उच्च अफसर की धर्म पत्नी श्रीमती हेमलता चटर्जी को 33 वर्ष की आयु तक कोई संतान न हुई। उसके पतिदेव तथा घर के अन्य व्यक्ति इससे बड़े दुखी रहते थे और कभी कभी उनके पति का दूसरा विवाह होने की चर्चा होती रहती थी। हेमलता को इससे अधिक मानसिक कष्ट रहता था और उन्हें मूर्छा का रोग हो गया था। किसी साधक ने उन्हें गायत्री साधना की विधि बताई। वे श्रद्धा पूर्वक उपासना करने लगी। ईश्वर की कृपा से एक वर्ष के बाद उनके यहाँ कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम गायत्री रखा गया। इसके बाद दो दो वर्ष के अंतर से दो पुत्र और हुए। तीनों बालक स्वस्थ हैं। इस परिवार में गायत्री की बड़ी मान्यता है। इसी तरह के अनुभव और कई गायत्री साधिकाओं के हैं, जिनको हम किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।